तो दोस्तों इसमें लोग बात करने वाले मालदीव कंट्री के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर सोचते हैं मालदीव कंट्री में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, कैसा यहाँ पर कंट्री है, तो इसके फुल डिटेल के बारे में लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि मान लीजिए आप इंडियन हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक खुशखबरी है दिया दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पर इस कंट्री में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। जी दोस्तों, अब यहाँ पर किस तरह से जा सकते हैं, क्या टर्म्स कंडीशन है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उन सभी के बारे में अभी हम लोग का बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इस कंट्री के फीचर की। तो इसमें आपको यहाँ पर डिलीशियस स्वादिष्ट भोजन देखने के लिए मिल जाएगा, और यही नहीं दोस्तों, आपको कोकोनट भी देखने के लिए मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह कंट्री एक यहाँ पर बीच है, आइलैंड है, एशिया का एक आइलैंड है, जिसमें आपको यह कंट्री बसा हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको ओनली वन नारियल यानी कि कोकोनट देखने के लिए मिलेगा, जो कि नारियल होता है, तो अभी बहुत यहाँ पर मीठा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर यह सभी रेत पर होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको वाइट वाइट तरह के आपको रेत देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इस यहाँ पर कंट्री के हाउसेस की। जी दोस्तों, तो इसमें आपको ओवर वाटर हाउस देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि पानी के ऊपर आपको घर कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा। जी दोस्तों, इसमें रिजॉर्ट और यहाँ पर लंच के लिए आपको बहुत सारा होटल भी देखने के लिए मिल जाता है। जी दोस्तों, और आपको जानकारी के लिए बता दें एक फैक्ट कि इस कंट्री में 5 से 6 लाख कपल्स आते हैं विजिट करने के लिए, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है यहाँ के सरकार का। जी दोस्तों, 75% रेवेन्यू यहाँ पर जो कि विजिटर होते हैं उनकी वजह से जनरेट हो पाता है। जी दोस्तों, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस कंट्री के और भी फीचर की। जैसे कि आप इस कंट्री में आएंगे तो आपको कोई भी यहाँ पर यूजर या फिर कोई भी इंसान आपको कभी भी स्कैम नहीं करेगा। जी दोस्तों, यहाँ के सभी लोग यहाँ पर ईमानदार होते हैं। यदि मान लीजिए कोई भी ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसे यहाँ पर जेल में डाल दिया जाएगा और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। जी दोस्तों, इस कंट्री में यदि मान लीजिए आप यहाँ पर जाते हैं तो आप फ्रीली जा सकते हैं, आपको कोई भी यहाँ पर स्कैम का साथ देखने के लिए नहीं मिलेगा। यदि मान लीजिए जहाँ से आप वीज़ा ले रहे हैं, सिंपली वहाँ पर आपको 100% चेक कर लेना चाहिए कि वह यहाँ पर रियल है या फिर फेक है, क्योंकि यहाँ पर जो कि वीज़ा प्रोवाइडर होता है वह तो उस कंट्री का नहीं होता है, वह यहाँ पर जिस कंट्री का आप हैं वहीं से आप नियरेस्ट में कहीं पर भी वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में वीज़ा आपको यहाँ पर चेक कर लेना चाहिए, तभी आप इस कंट्री में एंट्री ले दोस्तों। और यहाँ पर जाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर एयरप्लेन टैक्सी भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि इस कंट्री में यहाँ पर चलाया जाता है। जी दोस्तों, जो कि यहाँ पर इस कंट्री का एक बहुत ही बड़ा राज्य यानी कि राजधानी आप बोल सकते हैं, इस कंट्री का राजधानी है माले, जहाँ पर जितने भी एयरपोर्ट हैं वहाँ पर बने हुए हैं, और वहाँ पर से जितने भी लोग होते हैं एयर टैक्सी के थ्रू, जो कि एयरप्लेन टैक्सी होता है उसके थ्रू इस कंट्री में यहाँ पर इस बीचेज पर आते हैं। जैसा कि आप अभी यहाँ पर कुछ इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर समुद्र के तरफ अंदर वाटर आप यहाँ पर स्विमिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको नाव भी देखने के लिए मिल जाएगा, बोट भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आप यहाँ पर तैर सकते हैं। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर समुद्र के अंदर जाते हैं तो आपको बड़ी बड़ी मछलियाँ और शार्क भी देखने के लिए मिल जाएगा, और यही नहीं दोस्तों, आपको बहुत ही खूबसूरत छोटी छोटी मछलियों का झुंड भी आप इस यहाँ पर मालदीव कंट्री में जा कर के इस बीचेस पर मज़ा ले सकते हैं। और दोस्तों, आपको यहाँ पर स्विमिंग पूल भी, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं इस कंट्री में, और बहुत सारे कपल्स हैं यहाँ पर आते हैं इंजॉय करने के लिए, विजिट करने के लिए, और यहाँ पर डेट पर भी आते हैं। जी दोस्तों, तो ऐसे में यदि मान लीजिए आप भी यहाँ पर मालदीव कंट्री में जाना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आप विजिट करते हैं, तो किस तरह से आप जा सकते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, यदि मान लीजिए आप इंडियन हैं तो आपको यहाँ पर बधाई हो, आप फ्रीली विदाउट वीज़ा आप जा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं खर्चे की। तो यदि मान लीजिए आप यहाँ पर जाते हैं विजिट के लिए, ओनली वन आप यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, तो सिंपली आप 3 मंथ के लिए आप जा सकते हैं इसमें फ्रीली वीज़ा में। जी दोस्तों, उसके लिए यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो कि आपका पासपोर्ट होता है वह 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। जी दोस्तों, यानी कि 6 महीने पुराना पासपोर्ट होना चाहिए, यानी कि आज बनाएंगे तो 6 महीने बाद उस पासपोर्ट को यूज करते हुए मालदीव कंट्री में जा सकते हैं विदाउट वीज़ा। जी दोस्तों, और यदि मान लीजिए आप विजिट करने के लिए जाते हैं तो आपके खर्चे के लिए बता दें दोस्तों, आपको यहाँ पर कम से कम 5 से 6 दिन या फिर मान लीजिए 1 हफ्ते में 50 से 60 हज़ार रुपये लगेगा, और आप मालदीव कंट्री में यहाँ पर पूरा इंजॉयमेंट ले सकते हैं। जहाँ दोस्तों, जैसा चाहते हैं वैसा आपको यहाँ पर ज़िंदगी में कभी भी नज़ारा देखने के लिए नहीं मिलेगा। यदि मान लीजिए आप अपने ज़िंदगी का खूबसूरत नज़ारा देखना चाहते हैं तो आप मालदीव कंट्री में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर बीचेज और लुक देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों,
तो दोस्तों यदि मान लीजिए आप विजिट करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए अपने लाइफ में, क्योंकि वर्ल्ड का बेस्ट खूबसूरत यहाँ पर ब्यूटीफुल यह द्वीप माना जाता है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा अच्छा यहाँ पर लुक सीन देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि मान लीजिए आप सार्क देखना चाहते हैं, सार्क कभी नहीं देखे हैं तो इस कंट्री में जाएंगे तो जो कि आपका वाटर स्विमिंग होता है उस सूट को पहन करके आप समुद्र के नीचे चले जाएंगे, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे सार्क का झुंड भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों यही रही कुछ फैक्ट और जानकारियाँ मालदीव के बारे में। यदि मान लीजिए आप मालदीव में जॉब के लिए अप्लाई किए हैं, जॉब में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसमें आप बेझिझक जा सकते हैं, आपको कोई भी यहाँ पर रोक टोक नहीं होगा। दोस्तों आपको जितना सैलरी यहाँ पर उसमें डॉक्यूमेंट में लिखा होगा उतना ही देखने के लिए मिलेगा। यह भी आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना चाहिए कि जो भी डॉक्यूमेंट जो भी एजेंट आपको दे रहा है वह सही है या फिर गलत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यूजर फंस जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंट चेक किया था, आपको यहाँ पर बताया था उसमें का, जो कि यहाँ पर दुबई कंट्री का एक डॉक्यूमेंट था जिसमें आपको यहाँ पर सैलरी 50 से 70 हज़ार रुपये लिखा था, जिसमें वह डॉक्यूमेंट फेक निकला। जी दोस्तों, हमने यहाँ पर दुबई के जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ है यहाँ पर लेबर लॉ होते हैं वहाँ पर मेल करके हमने बात किया और उन्होंने उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया और बताया कि यह डॉक्यूमेंट यहाँ पर फेक है। तो ऐसे में आप यहाँ पर जाने से पहले किसी भी कंट्री में डॉक्यूमेंट का जरूर चेक कर लें दोस्तों, क्योंकि हो सकता है आपके साथ यहाँ पर स्कैम हो जाए, फ्रॉड हो जाए, तो आप इनसे बच जाएंगे यदि मान लीजिए आप चेक कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरह से और जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।